राजधानी में पीट पीट कर एक व्यक्ति की हत्या। शिप्रापथ इलाके में पेट्रोल पंप पर देर रात विवाद हुआ था। रिको इंडस्ट्रियल एरिया में पेट्रोल भरवाने के लिए लाइन लगी थी। आपसी विवाद में दो युवकों ने राजदीप नाम के व्यक्ति पर लात घूंसे बरसाए। गंभीर चोट आने पर 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और घटना के बाद दोनों फरार आरोपियों को शिप्रापथ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी में पीट पीट कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। 55 वर्षीय व्यक्ति जिसकी ये हत्या की गई है, गंभीर चोट उसको आई जिसके बाद उसकी मौत हो गई। शिप्रापथ इलाके में पेट्रोल पंप पर देर रात को यह विवाद हुआ था। रिको इंडस्ट्रियल एरिया में पेट्रोल भरवाने के लिए लाइन लगी थी और आपसी विवाद में दो युवकों ने राजदीप नाम के व्यक्ति पर लात घूंसे बरसाए, जिसके बाद गंभीर चोट आने पर उसकी मौत हो गई। सत्यनारायण सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, कौन ये युवक है दोनों? देखिए, जो मृतक का नाम राजदीप बताया जा रहा है और वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए वहां पर आया था, लेकिन लाइन लगी हुई थी। ऐसे में जो दूसरे से विवाद हुआ था, उन्होंने 55 वर्षीय बुजुर्ग जिसका नाम राजदीप है उसके ऊपर जमकर पत्थर बरसा जमकर हमला किया और इस हमले के दौरान उसके सिर पर काफी गहरी चोट लगी और वही बेहोश होकर गिर गया और उसको तुरंत वहां से जो पेट्रोल कर्मचारी थे उन्होंने अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उधर जो मृतक है उसके परिवार को सूचना दे दी गई है, उसके पोस्टमार्टम के लिए उनका शव मोर्चे में रखा है। फिलहाल पुलिस हिस्ट्री के आधार पर जो बाकी के आरोपी हैं उनकी तलाश कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण पूरी जानकारी के लिए।